लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह के पक्ष में वैरमो विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह द्वारा निरसा विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में ताबड़तोड़ सभा, जनसंपर्क एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस परिपेक्ष में मैथन स्थित निजी होटल में पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मान में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पंचायत प्रतिनिधियों को वैरमो विधायक जयमंगल सिंह ने माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं पंचायत प्रतिनिधियों ने विधायक को गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि सबसे नीचे स्तर के सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं। इनके द्वारा लिए गए फैसले के माध्यम से हम लोग विकास कार्य कर पाते हैं। उन्होंने इसके लिए सभी को धन्यवाद दिया। कहा कि यह सभी लोग आज कांग्रेस के प्रत्याशी अनुपमा सिंह के पक्ष में खड़े होने के लिए तैयार हैं। पंचायत प्रतिनिधियों का मानना है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। अगर अभी से इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो आने वाला समय काफी चुनौती भरा होगा। वहीं मीडिया से ने जब पूछा कि पुराने कांग्रेसी किसी भी मंच में नहीं दिख रहे हैं, उन्होंने पूछा नाम बताएं, तभी उपस्थित लोगों ने कहा सुरेश चंद्र झा, तो श्री सिंह ने कहा कि झा जी को संगठन से निष्कासित किया गया है और वह मजदूर विरोधी है। इस मुद्दे पर सुरेश चंद्र झा ने कहा कि कुमार जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह बच्चा है और क्या कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट में। किसी कहने से मजदूर विरोधी कोई नहीं हो जाता है। उसने कहा उस बच्चा है, मेरा बुतरू है, बालक है। अब उस सबको क्या हम जवाब दें इस मामले में? उसके पिता के साथ में मैंने यूनियन चलाया है, लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया है। धनबाद में आपको जब ददई दुबे का तूफान चला था धनबाद में, उसमें अगवा मोर्चा संभालने के लिए हम ही खड़े हुआ करते थे। और इसको तो मैंने निकाला। ये जब दूसरा यूनियन आरसीएमएस, जो हमारा बाप दादे का यूनियन था आरसीएमएस, जिसको माइकल जॉन, बीपी सिन्हा, पंडित बिंदे, श्री दुबे, राजेंद्र सिंह, ओपी लाल, सारे लोगों ने, रामनारायण शर्मा, सारे लोगों ने जीता था। उस यूनियन को इसने छोड़कर अचानक दूसरा यूनियन अपना बना करके घुस गया उसमें। हमने कहा, हम उसी समय मंच पर कहा, हमने हम उसमें नहीं जाएंगे, सारे लोग सामने में कहा। और उसके बाद हम वहां से चला आया, ये दूसरा यूनियन बना करके उसमें घुस गया। तो ना तो यूनियन को इसने डिजॉल्व किया, पुराना यूनियन को, ना तो आप हमको निकाला। जब दूसरा यूनियन में चला गया, फिर हमको निकालने का प्रश्न पड़ता है? उसके यूनियन में हम मेंबर ही नहीं है। हमने इसको निकाला बजाबती आरसीएमएस से, हमने जयमंगल सिंह, अनूप सिंह को हमने निकाला, क्योंकि प्रेसिडेंट हो गया था राजेंद्र बाद, वही प्रेसिडेंट हो गया था, वो छोड़ के चला गया, हमने उसको निकाला है। ये दुर्भाग्य है, ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है। ऐसे ऐसे लोग नेता बनकर के इस तरह बयानबाजी करते हैं, या कांग्रेस का दुर्भाग्य है, इससे क्षति पहुंचेगा कांग्रेस को, करते हैं। हम इसलिए अपने घर में बैठे हुए हैं, और हमारे खिलाफ में कुछ बोलना उसका नादानी है, ये नादानी है। उस मजदूरों के नेता के रूप में, आप साधारण कार्यकर्ता के रूप में मजदूरों में पैठ है, कांग्रेस में हमारा एक पैठ है, मजबूत पैठ है, निरसा क्षेत्र मेरा पैठ है। वह नाखुश होगा, वह पूछेगा, समाज पूछेगा, सुरेश झा के खिलाफ में सब बयान तुमने क्यों दिया? और हम ही नहीं, हम यहां के लोग ही नहीं पूछेगा, जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष संतोष सिंह पूछेगा, विजेंद्र सिंह जो पहले अध्यक्ष रह चुके हैं वो पूछेंगे, और इसके अलावे राजेश ठाकुर पूछेंगे, आप सुरेश झा के खिलाफ में बयान ऐसा क्यों दिया? उन लोगों की जवाबदेही बनती है पूछने का, वो लोग पूछेंगे। हम उन लोग कहते हैं आप इस पर कार्रवाई करें, आप इस बारे में पूछें। ऐसे लोगों का बयानबाजी से कांग्रेस कमजोर होगा, और चुनाव के टाइम में इस तरह बातें नहीं होनी चाहिए। हम लोग तो कांग्रेस के सिपाही हैं, कांग्रेसी हैं, और वो तो आज का है। हम तो आज 50 साल से कांग्रेस का झंडा, इनकलाब, जिंदाबाद, संघर्ष करते हुए हैं। हमको कोई नेता नहीं बनाया, हम नेता बने हैं अपने संघर्ष के बल पर, आंदोलन करने के कारण नेता बने हैं। पूरे इलाके में आंदोलन, धरना, सत्याग्रह सब। और इन तक का जहां तक सवाल है, ये देखिए मेरा चिट्ठी है, डॉक्टर संजीवा रेड्डी का चिट्ठी है ये, उन्होंने एकमात्र हमको ऑल इंडिया इंटक की तरफ से लिख करके दिया कि कांग्रेस तरफ से टिकट इसे दिया जाए, कंसीडर किया जाए, और हम कांग्रेस के उम्मीदवार थे पार्लियामेंट में। नाराज नहीं, हमको पूछा नहीं जा रहा है, इसीलिए खामोश हैं, बिल्कुल खामोश हैं, हमारी बदनामी नहीं हो। पुराने आदमी को छोड़ कर चुनाव लड़ रही है, लक्षण तो ही लगता है। बड़े अच्छे अच्छे जो नेता हैं कांग्रेस के,
पुराने साथी उन लोगों के पास कभी आपने मंच पर देखिए कहीं नहीं खड़ा है, कहीं भी नहीं घूम रहा है। इसका खामियाजा तो 2024 में भुगतना पड़ेगा। हो सकता है, इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, जनता जानेगी, कार्यकर्ता समझेगा। कार्यकर्ता जो उत्साह होता वो उत्साह में थोड़ा कमी तो जरूर आएगी। अभी आप किस यूनियन से है? राष्ट्रीय कोली मजदूर संघ, जो सबसे पुरानी यूनियन है INTC की, इस इलाके की सबसे पुरानी यूनियन है। माइकल जॉन की, बीपी सिन्हा की, पंडित बिंदेशी दुबे की, राम नारायण शर्मा का और राजेंद्र बाबू का, ओपी लाल का, एसके राय का। जब आपने राजेंद्र बाबू साथ काम किया है, चुनाव काम किया पार्टी में, फिर अपने पिता के जो उम्मीदवार के लोग थे उनको उन्होंने इस तरह का बयानबाजी करना, इसीलिए कि उसके साथ को, उसको हमने साथ नहीं दिया, उसके यूनियन में हम नहीं गया। हमने कहा तुम्हारे यूनियन में नहीं जाएंगे और मजबूती से यहां यूनियन चला रहे हैं और चेकअप सिस्टम से मेरा चंदा कट के आता, चेकअप सिस्टम से। ये नहीं है कि हम किसी से हाथ में लेकर पैसा ले लिया है, चेकअप सिस्टम से आता है पैसा। अनूप सिंह जो कहा वो पुत्रपन बचपना है उसका, इसके बारे में क्या बोलना है ऐसे लोगों को, ये बचपना है। निर्सा के तमाम जनप्रतिनिधि लोग ने जो पंचायत स्तर से आते हैं, नीचे स्तर से इन लोग गांव को मजबूत करते हैं, तब जाकर हम जैसे नेता इनके माध्यम से गांव में विकास कर पाते हैं। अगर ये ना रहे तो मैं समझता हूं कोई भी पार्टी, कोई भी नेता अपना विकास ना कर पाएगा। मैं इन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। इन लोग ने अपने वक्तव्य में भी बोला है कि हिंदुस्तान के संविधान को बचाने के लिए इन लोग सब यहाँ पे आए, एक अच्छे प्रत्याशी का चयन हो, क्योंकि इन लोग भी प्रत्याशी हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जैसे लोग प्रत्याशी बनने लगे तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में लोकतंत्र को खतरा हो सकता है। सवाल है कि लोग कांग्रेस पे कैसे मंत्री जी नहीं पकड़ाए हैं, पकड़ाए उनके PS है, कर्मचारी है। ईडी के हिरासत में तो हेमंत सोरेन जी भी हैं। हेमंत सोरेन जी ने कौन सा जमीन कब्जा कर लिया, कौन सा सरकारी जमीन है, वो हिरासत में तो भैया लोग मोदी जी किसी को भी ले ले रहे। अरविंद केजरीवाल बाहर छूटे ना, हेमंत सोरेन जी भी छूटेंगे, आलमगीर साहब भी छूटेंगे, लेकिन मंत्री जी का पैसा नहीं था, PS का पैसा था। कौन से पुरानी कांग्रेसी आप बताइए, नाम बता दीजिए सर, सर नाम बता दीजिए, नाम बता दीजिए, मैं जवाब दे दूँ, नाम बता दीजिए। सुरेश झा जी को मैंने अपने यूनियन से निष्कासित किया, सुरेश जी मेरे यूनियन के सदस्य नहीं है, सुरेश झा जी हमारे यूनियन के किसी भी पद पर नहीं है, और सुरेश झा जी की जो सोच है वो मजदूर विरोधी है और वो सोच राजेंद्र बाबू से कहीं मेल नहीं खाती।